हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूँ शशांक, आपका दोस्त एंड आपका टेक्निकल होस्ट। दोस्तों, आपकी आज की जो टेक न्यूज है उसमें सबसे पहली जो खबर है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खुशखबरी है। एक दोस्तों, जो गेम्स प्लेयर्स हैं, जो आप लोग एंड्रॉयड गेम लवर्स अगर हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि एंड्रॉयड में अब मारियो, जो हमारा बचपन का गेम है, हमारा बेसिक जो हम गेम खेलते थे मारियो, सुपर मारियो, वो अब एंड्रॉयड मोबाइल में भी उपलब्ध हो चुका है। उसे आप खेल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गेम है। मैंने इसे खेला है और पर्सनली मेरा जो रिव्यू है इस गेम का, बहुत अच्छा गेम है और बिल्कुल जो सिमिलैरिटी हमारी जो बेसिक गेम होता था, जो हमारा हम सिस्टम में खेलते थे या पहले हम टीवी में खेला करते थे, वही गेम अब हम वापस से एंड्रॉयड मोबाइल पर खेल सकेंगे, जो कि कंपनी ने पहले आईफोन के लिए ये गेम निकाला हुआ था और सिर्फ आईफोन में अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अब यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन में भी अवेलेबल ये गेम हो चुका है। उसको गेम खेलने का जो है आसान बहुत तरीका जो होगा, और स्क्रीन को टच करके आप इसको जो जंप करा सकते हैं, रन करा सकते हैं मारियो को, और ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गेम बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड हो रहा है, इसे इंडिया में अभी अभी जो है कि आप अवेलेबल करा दिया गया है, और यूएसए में ये बहुत पहले अवेलेबल हो चुका था एंड्रॉयड के लिए, मगर इंडिया में ये लेट हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो गेम लवर्स हैं उनके लिए। आप लोग डाउनलोड करिए, प्ले करें, इंजॉय करें। थैंक यू। दोस्तों, जो सेकंड टेक न्यूज है वो ये है कि जियो ने अपना नया ऑफर निकाला है जिसका नाम है बाय वन गेट वन। इसके तहत अगर आप जो 303 का रिचार्ज हर महीने आप कराते थे, अगर वो आप इकट्ठे एक साथ जो है करा लेते हैं, जैसे कि आप जो 303 का एक पर मंथ कराते हैं, वो आपको 13 महीने तक का जो है, आपको अगर 13 महीने का इकट्ठा आप करा लेते हैं, तो उसमें आपको जो है एडिशनल 1+ आपको जो है इसमें फ्री डेटा वो देते हैं, जो कि है 5 GB डेटा जो है वो देते हैं। उसके अलावा 65 GB अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 65 GB आपको डेटा इसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा जियो कंपनी की द्वारा, और जो आपको है एडिशनल मिलने के बाद में आपका लगभग लगभग 429 GB डेटा इसमें हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑफर कहें, या मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई अच्छा ऑफर है। मेरे हिसाब से तो हर बंदे को है जो है हर महीने ही कराना चाहिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर हो सकता है आपने 429 GB डेटा मिल भी जाता है, उसके बाद में जियो की जो स्पीड है, जो डेटा आपकी जो नेटवर्किंग है वो कितनी पावरफुल है, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको पर मंथ ही रिचार्ज कराना चाहिए, बाकी आपकी पसंद है, आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन मेरा भी सुझाव मान लें। तो दोस्तों, ये था ऑफर जियो की तरफ से, और भी हम देखते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज। दोस्तों, हमारी जो थर्ड टेक न्यूज है वो अगर ये कि अगर आप म्यूजिक लवर हैं और आप जो है हेडफोन के शौकीन हैं और आपके पास में अधिकांश जो है हेडफोन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है आपके लिए शॉपिंग करने का, क्योंकि अमेजोन लाया है 70% तक के डिस्काउंट। जो बड़े बड़े ब्रांडेड आपके ईयरफोन आते हैं, हेडफोन आते हैं, उसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है, भारी डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि आप जो है बात करें JBL C300 SI ऑन एयरफोन का, तो इसमें जो है आपका 70% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपका 3,000 इसकी कीमत होती है, लेकिन आपको 70% डिस्काउंट मिलने के बाद में ये आपको 899 में अवेलेबल हो रहा है। इसके बाद में बात करें जो सेकेंड सोनी MDR ZX110 जो आपका हेडफोन है, इसमें भी आपको जो है 19% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 990 का जो है इसकी कीमत है, लेकिन 19% डिस्काउंट होने के बाद में ये 799 का आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी हैं, फिलिप्स के हैं SHL 500 जो 5000 जो है हेडफोन है, वो आपको ब्लैक कलर में 41% इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपका 1,000 रुपये का करीब कीमत है इसकी, और ये आपको अवेलेबल हो रहा है ओनली 588 में। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पे है। इसके बाद में सोनी MDR ZX110 जो आपका हेडफोन है, इसमें भी आपको जो है अच्छी आपको उपलब्ध मिल रहा है, 19% डिस्काउंट है, और इसकी भी जो है इसको डिस्काउंट के बाद में ये आपको 799 मतलब ओनली 800 में आपको सोनी जो बेस्ट क्वालिटी साउंड देता है
वो आपको अवेलेबल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्त, इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, अमेजोन में भी ऑफर चल रहे हैं। अगर आप इन पर जाते हैं और आप इसको बाय करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप अभी इस समय बाय कर लेते हैं, सपोज आपको अभी नीड नहीं है मगर आप फ्यूचर में आपको लगते ही रहते हैं हेडफोन, तो आप इस समय इसका फ़ायदा उठा के और इससे जो है आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से लेते हैं, लोकल क्वालिटी लेते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका लोकल क्वालिटी में ही बाई करते हैं तो मेरे हिसाब से इनमें से लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस समय ये जो है सपोज 3000 का कोई हेडफोन वो दे रहे हैं और आपके पास में यूज एंड थ्रो टाइप का अगर चलता है तो आप इससे बिल्कुल नहीं खरीदें, आप अपने लोकल क्वालिटी ही चलाएं, क्योंकि आपको 150 या 200 में आपको लेना है तो आप इस पर ध्यान ना दें। थैंक यू। दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट टेक न्यूज़ है वो ये है कि गूगल मैप में आप अब अपने भाई, अपने दोस्त, अपने किसी भी जो फ्रेंड्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ है और वो इस समय क्या किस रास्ते में जा रहे हैं। उसके लिए गूगल मैप ने अभी एक नया फीचर लाया है, कंपनी जल्द ही इसे लॉन्च करने वाली है एंड्रॉयड में। और ये जो आपका फीचर रहेगा, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, अपने मैप के जो ऐप में जाना है और जाने के बाद में जो साइड मेन्यू में जाने के बाद में इसमें आपको शेयर लोकेशन में जाना है और उसके बाद में कॉन्टेक्ट्स में जाके वो आप किस कॉन्टेक्ट के साथ अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं इसे आप शेयर कर पाएंगे। ये फीचर बहुत ही जल्द अपने जो एंड्रॉयड ऐप है मैप में और ये गूगल मैप में आपके अवेलेबल होने वाला है। इससे इसके बाद में आप अपनी लोकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है बच्चे अपने माँ बाप की अगर जो चिंता करते हैं उसको वो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर बॉयफ्रेंड है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ट्रैक कर सकता है। गर्लफ्रेंड के लिए ट्रैक कर सकता है। मतलब जो भी आप चाहें, जहां पे भी ट्रैक करना चाहें उसको यूज करके आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे जो है यूज भी हो सकते हैं और इसके लिए एक बहुत बुरे यूज भी हो सकते हैं। और ये क्योंकि अभी तक जो दावा होता आ रहा है कि बहुत सी कंपनीज ने ये दावा किया है, इवन विकीलीक्स ने भी अपने खुलासे में एक बार बताया था कि जो भी आप लोकेशन या जो भी आप एप्स यूज करते हैं उनकी ट्रैकिंग ऑलरेडी हो रही है। तो ये हो सकता है, ये बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन इससे आप हो सकता है आपको कहीं गलत उपयोग भी इसका हो सकता है, क्योंकि कई कंपनीज जो है दावा कर चुकी हैं विकीलीक्स के अलावा भी कि आपकी जो लोकेशन वो ट्रैक होती है और होने के बाद में इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है और जिससे कि निजी जानकारियां जो है निकाली जाती हैं, सर्वे किए जाते हैं। तो इसका भी एक इसका एक जो ड्रॉबैक है वो मेरे को ये लगता है, लेकिन हो सकता है उसका एक अच्छे रूप में अगर हम पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो आपके बिलव्ड हैं वन वो कहाँ पर हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर अभी आने वाला है।